नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम SYBA इस कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित रहीम के पदों का अध्ययन करेंगे, रहीम के दोहों का अध्ययन करेंगे। रहीम एक श्रेष्ठ मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। रहीम भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक एवं सभी संप्रदायों के प्रति आदर भाव रखने वाले सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी है। भक्ति काल के नीति काव्यधारा के प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में रहीम का योगदान हिंदी साहित्य में अनन्य साधारण रहा है। रहीम के काव्य का मुख्य विषय नीति कथन या उपदेशात्मकता रहा है। साथ ही रहीम के काव्य में भक्ति तथा श्रृंगार का विवेचन भी मिलता है। आज हमें रहीम के दोहों में से संत महिमा इस विषय के अंतर्गत रहीम के जो दोहे पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित थे, उन दोहों का अध्ययन करना हमारा अभिष्ट है। रहीम का उस दृष्टि से संत महिमा का पद है, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पियन पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचयी सुजान। तरुवर फल नहीं खाते हैं। तरुवर मतलब वृक्ष। यह वृक्ष अपने स्वयं के फल वह नहीं खाता। जैसे आम, आम के वृक्ष के लिए आम के फल आ जाते हैं, लेकिन उन फलों का आस्वादन दूसरे लोग करते हैं। वह फल का आस्वादन दूसरे लोग करते हैं, परंतु वह स्वयं आम का जो वृक्ष होता है, वह अपना जो फल होते हैं, वह फल स्वयं नहीं खाते हैं। उनके फल दूसरों के लिए होते हैं, और इसीलिए रहीम कहते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिय ही न पान। सरोवर मतलब तालाब। सरोवर वह अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसका पानी दूसरे लोगों के पीने के लिए होता है। सरोवर का पानी, तालाब का पानी पशु पंछियों सहित मनुष्यों की प्यास बुझाने का काम करता है। अर्थात तालाब का पानी, सरोवर का पानी दूसरों के लिए होता है, और इसीलिए रहीम कहते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए ही न पान। सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता। कहे रहीम परकाज हित। रहीम कहते हैं परकाज हित मतलब दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की मदद के लिए। रहीम कही रहीम परकाज हित मतलब दूसरों के हित के लिए, दूसरों की मदद के लिए। संपत्ति संचयी सुजान। सुजान लोग, सज्जन लोग संपत्ति का संचय करते हैं, परंतु अपनी संपत्ति का प्रयोग दूसरों की मदद के लिए करते हैं, गरीबों की सहायता के लिए करते हैं। और इसीलिए रहीम कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो संपत्ति का जो संचय करते हैं, उसका उपयोग इस्तेमाल वह दूसरों की मदद के लिए करते हैं। और इसीलिए रहीम कहते हैं तरुवर फल नहीं खाते हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर पिय ही न पान, सरोवर या तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता। कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचयी सुजान। सुजान लोग, सज्जन लोग दूसरों के हित के लिए, दूसरों की मदद के लिए वह अपने धन का संचय करते हैं। अगले दोहे में रहीम कहते हैं, मथत मथत माखन, दही मही बिलगा। अर्थात रहीम कहते हैं कि जो माखन होता है, उसको मथने के बाद घी अलग हो जाता है और मट्ठा अलग हो जाता है। जैसे मथत मथत, मथत मथत मतलब मथते मथते माखन, दही मही बिलगाए। दही मतलब दही, घी,
मही मतलब मट्ठा, वह अलग हो जाता है, मतलब माखन को मथने के बाद उसका घी अलग होता है और उसका मट्ठा अलग होता है। रहीम कहते हैं, रहीमन सोई मित है, रहीमन सोई, सोई मतलब सच्ची, मित मतलब मित्रता। रहीम कहते हैं कि सच्ची मित्रता वही है भीर परे ठहराए, भीर मतलब संकट, परे मतलब पड़ने पर, संकट आ जाने पर, समस्या आ जाने पर, विपत्ति आ जाने पर वह मित्र आप लोगों के साथ रहता है, वही सच्चा मित्र होता है कि जो संकट के समय में भी आपको साथ देता है। इसीलिए कष्टों के समय ही, संकटों के समय ही सच्ची मित्रता की पहचान हो जाती है। जो स्वार्थी लोग होते हैं वह दूर चले जाते हैं, और जो मित्र होते हैं वह आप लोगों के साथ होते हैं। अर्थात रहीम कहते हैं, मथत मथत माखन दही मही अलगाए, जैसे माखन को मथने के बाद दही घी अलग हो जाता है और उसका मट्ठा अलग हो जाता है, उसी तरह से संकट आ जाने पर स्वार्थी लोग अलग हो जाते हैं और सच्चे लोग अलग हो जाते हैं। वह सच्चे लोग अर्थात सच्चे मित्र वह आप लोगों के साथ संकटों के समय में भी रुक जाते हैं, संकटों के समय में साथ देते हैं। और इसीलिए रहीम कहते हैं, मथत मथत माखन दही मही बिलगाय, रहीमन सोई मित है, अर्थात वही सच्ची मित्रता है भीर परे ठहरा, संकट पड़ने पर भी वह आप लोगों के साथ होते हैं। रहीम कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके जे कई मांगन जाई, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। अर्थात रहीम कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके, रहीम कहते हैं कि वह मनुष्य उनकी अवस्था मरणासन्न है, मरना जैस मरने जैसी है कि जो दूसरों को कोई मदद मांगते हैं, दूसरों से कोई सहायता मांगते हैं या दूसरों को किसी प्रकार की चीज़ की मांग करते हैं, उन लोगों की अवस्था मरने जैसी है। रहीमन वे नर मर चुके, नर मतलब मनुष्य, वह मनुष्य मर चुके जे कहूँ मांगन जाई, जो कहीं मांगने के लिए जाते हैं, दूसरे से याचना करते हैं, दूसरों से मांगते हैं, उनकी अवस्था मरने जैसी है। परंतु रहीम आगे कहते हैं, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही, वह जो मांगने के लिए याचक आता है उनकी अवस्था मरने जैसी है, परंतु उनके मांगने पर भी अगर हमने वह चीज़ उन्हें नहीं दी तो उस याचक के पहले हम मर गए। और इसीलिए रहीम कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके जे कऊ मांगन जाई, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। जैसे किसी ने मुझे कोई चीज़ मांगी तो वह मांगने वाला याचक उनकी अवस्था मरने जैसी है, परंतु उनके मांगने पर भी वह चीज़ अगर मैंने नहीं दी तो मुझसे मतलब उससे पहले मैं मर गया। इसीलिए रहीम कहते हैं, रहीमन वीर मर नर मर चुके जे कई मांगन जाई, उनते पहले वे मुए, मुए मतलब मर गए, जिन मुख निकसत नाही, जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है वह उससे पहले मर गए, मर जाते हैं। अर्थात किसी भी तरह का कोई याचक निराश होकर नहीं लौटना चाहिए। रहीम की दानशीलता के अनेक तिवदंतियाँ प्रसिद्ध है, और उस दृष्टि से याचक की मदद करनी चाहिए, मांगने वालों की मदद करनी चाहिए, यही उनकी अपेक्षा है। अगले दोहे में वह कहते हैं, दुर्दिन परे रहीम कही भूलत सब पहचानी। दुर्दिन मतलब बुरे दिन, प्रतिकूल परिस्थिति, जीवन में हमेशा अनुकूल परिस्थिति रहेगी ऐसा नहीं, कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हो जाती है, और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाने के बाद, कठिन परिस्थिति आ जाने के बाद रहीम कहते हैं, दुर्दिन परे रहीम कही भूलत सब पहचानी। भूलत मतलब भूल जाते हैं, सभी पहचानी, सभी मित्र हमें भूल जाते हैं, सभी लोग हमें भूल जाते हैं कि जब हम लोग संकट में है, संकट की परिस्थिति में है, सोच नहीं बितहानी को,
जो न होय हित हानि। रहीम कहते हैं जो न सोच, मैंने सोचा नहीं, वित्त मतलब वित्त हानि, अगर वित्त की हानि हुई तो कुछ नहीं हो जाता, परंतु जब हित की हानि हो जाती है तब सब कुछ चला जाता है। अगर वित्त की हानि हो जाती है तो वह हानि रहीम की दृष्टि से कोई मायने नहीं रखती, उसका कोई महत्व नहीं है, परंतु अगर हित की हानि हो जाती है तो वह सबसे बड़ी हानि हो जाती है। और इसीलिए रहीम कहते हैं दुर्दिन परे रहीम कही भूलत सब पहचानी, दुर्दिन आ जाने पर, संकट आ जाने पर मित्रता यह पहचान यह सभी लोग भूल जाते हैं। सोच नहीं वित्त हानि को, परंतु उससे अगर वित्त की हानि हो जाती है, संपत्ति की हानि हो जाती है, तो वह हानि कोई मायने नहीं रखती, परंतु हित की जो हानि है वह हानि नहीं होने चाहिए, वह हानि सही नहीं जा सकती। अतः रहीम ने अपने दोहों के माध्यम से अर्थात संत महिमा के माध्यम से अपने जो विचार है वह विचार इन दोहों के माध्यम से उद्धृत किए हैं। धन्यवाद।